بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جے، اور میرے تو قبل علماء نے، خطباء نے قرآن و حدیث دا بعد تشاں احباب دے سامنے پیش فرمایا، تو سب تو پہلے انتظامیہ دے معزز افراد، احباب جماعت، محترم یاسر بٹ صاحب حفظہ اللہ اور اس مسجد خطیب امام منتظمین، یقیناً جو سب لائق تقریب نے، اور تسی میرے انتہائی پیارے معزز محترم سامعین، میں معذرت خواہ ہاں کہ تانوں کافی انتظار کرنا پیا اور تاخیر ہو گئی۔ متعدد مرتبہ انہاں سڑکاں تے سفر جاری رہندے نے، اور اس مسجد دے اندر پہلے بھی حاضری ہو چکی ہے، لیکن اتفاقاً راستہ بھول گیا۔ کسی آدمی نے پوچھیا تے انہیں جدید دور دے تحت غلط رستے تے لگا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ جڑا ہے موتمنن امانت ہے، المستشار موتمنن، کہ جنہیں کو مشورہ طلب کیتا جائے وہ سمجھے کہ میں ایک امانت دی ادائیگی کر رہا۔ کسی نے غلط مشورہ دینا ایک جرم ہے، بڑے شہروں دے اندر اس سلسلے چل دے نے۔ ویسے فیصل آباد تو بچے ہی سی، سیالکوٹ دے لاہور تے ایک کثرت ہے، اتھے کوشش کری دی وی نہ پوچھیے، تے ایتھے ہمیں پوچھ کے پھر پھنس گئے۔ بار کیف دشواری ہوئی، اللہ پاک مینوں معاف فرمائے کہ تساں احباب نے میرا انی دیر انتظار کیتا، کم علم طالب علم اور نکمے انسان تھا، اور تسی ماشاءاللہ ذوق شوق نال محبت نال ایتھے تشریف فرما جے، اللہ پاک تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے، اور میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ واپسی تے اپنے محترم حاجی راشد صاحب نو کم از کم 3 دیسی انڈے کھلاواں۔ ٹھنڈ لگ گئی ہے ویسے بھی، اودی وجہ کہ سردی ہے، تے میرے انتظار چ کوئی گھنٹہ کھلوتے رہے نے، تے میں مشکور بھی ہاں ممنون بھی ہاں۔ تو بار کیف اے بامی محبتاں نے، پیار ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، اللہ پاک اے ساڈیاں بامی محبتاں قبول فرمائے۔ محترم بٹ صاحب اور دیگر احباب کہہ رہے سن کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب بیان ہو چکے۔ ویسے تو حضرت ابو بکر دی شان اس قدر زیادہ ہے کہ بڑے بڑے عظیم خطبات دن رات بیان کرن، ایام ختم ہو جان، دن مک جان، رات مک جان، کوئی مائی دلال بیان کرنے دا حق ادا نہیں کر سکتا، اس قدر شان اور عظمت ہے۔ لیکن پھر بھی
मैं तुहाडा टेस्ट चेंज करने वास्ते इन्होंने आखिया कुछ और बातें पेश करो। अल्लाह पाक जो भी बयान करिए जितनी देर भी नसीहत करिए अल्लाह तुहाडे और मेरे वास्ते इसनु फायदेमंद बना दे, दुनिया और आखरत की निजात का जरिया बना दे। अजीजो दोस्तों भाइयों काबिले सद एहतराम बुजुर्गो मेरी माओ बहनों अजीज बेटियों यकीनन ये दुनिया आरजी है और फना का घर है। कोई बंदा जितना भी जी ले बड़ी छलांग लगाएगा इस दौर के अंदर तो को 80-90 साल जी लेगा, 100 साल जी लेगा, 150 साल जी लेगा, बहुत मुश्किल। वगरना हकीकत क्या है, आखिर मौत ही मौत। इस दुनिया तो रुखसती सफर का मुका लेना अल्लाह पाक ने थोड़े जे लफ्जों के अंदर इस दुनिया की आरदी जो सेबो सीनत है और इस दुनिया की हकीकत नु अल्लाह ने थोड़े लफ्जों के अंदर छान के रख दिता है। कुरान की फसाहत और बलागत है, खुल मथा दुनिया कलील। ऐ मेरे महबूब पैगंबर सोनिया ऐलान कर दियो कि दुनिया बिल्कुल मुख्तसर जी है, थोड़ी जी है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इंसान तू की तसव्वुर करना है, तू अपने आप नू की समझना है, तू की गुमान करना है। ये बिल्डिंगा कोठियां मकानात ये सब चीजा नू मजबूत तसव्वुर करके दुनिया दे दिल लगा के बैठा है और अपने मालक दी याद नू पसे पुश डाल रहा है। अकदी गौर ते कर, इस हकीकत तो आगाही हासिल करने की कोशिश कर। बिल्डिंगा कोठियां मकानात गाड़ियां जमीना मुरब्बे जायदादा इस सब कुछ हीच ने, इंसान की कदरो कीमत ज्यादा है। बिला शुबा किसी बंदे की चोरी हो जाए ना, अल्लाह ना करे डकैती हो जाए, अल्लाह महफूज रखे, लोग कहते ने खैर सल है, जान तो बच गई है ना, उसकी वजह के जान फिर नहीं लभनी, जान फिर नहीं लभनी, माल मिल जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, सवारी मिल जाएगी। मालूम की होया, बंदा सब तो बहुता कीमती है। अगरचे मौजूदा दौर के अंदर इंसान की वकत कोई नहीं रह गई, रुपये पैसे नू सलाम है, लेकिन हकीकत के अंदर बंदा सब तो कीमती है। और जड़ी कीमती शै वे उन्हों बका नहीं, तो इन कोठिया के बिल्डिंगा ये बड़िया बड़िया इमारतों के पला दे, इन्हों की क्या हैसीयत है। जड़ी सब तो कीमती शै वे रोजाना जनाजे नहीं जे देंदे, अखा मुशाहिदा नहीं कर दिया, क्या कैफियात ने, कैसे कैसे मजबूत आशाब वाले वड़िया वड़िया कद्दां वाले हुस्नो जमाल दे पैकर और बड़े बड़े इलम नू अपने सीनियां दे अंदर महफूज करने वाले इस दुनिया तो जा रहे ने, अपना सफर मुका रहे ने। वाकियतन कुरान दा दावा बिल्कुल सच्चा है, उदी वजह कि हर गल गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह ते उदे रसूल दा पैगाम गलत हो सकदा। बोलो बोलो, कुरान गलत हो सकदा, अलियास बिल्ला हदीस गलत हो सकदी, किसे किस्म दे शको शुबे दी गुंजाइश बाकी नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये ऐसी किताब है जिदे अंदर किसी किस्म का शको शुबा हो सकता, हर कित नहीं। एहो ही वजह है कुरान इस हकीकत नू वादे कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम दे अंदर फरमाया, कुल मता वो दुनिया गलील वल आखिरतु खैरुल लिमन तक्वा वला तुज़लमून फतीला। आसमान तो पैगाम की आ रहा है,
मेरिया सोनिया महबूबा ऐलान कर गे कहते मता दुनिया गली दुनिया की जिंदगी बिलकुल थोड़ी जी है और दुनिया जनाबे आली मुख्तसर जी है थोड़ा जहा साजो समान है और इंसान की जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है ये कोठियां नहीं रहनिया बिल्डिंग नहीं रहनिया ये मकानात नहीं जे रहने महलात नहीं जे रहने ये बंगले जनाबे आली जमीन बोश हो जाने जे हर शह मिलिया मीट होने वाली है अल्लाह पाक ने दूसरे मुकाम ते हकीकत नूं वादे कीता जरा गौर करते जाना है कुरान की कह रही है गुल्लू मन अलैहा फान वयब कौम वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम अल्लाह पाक ने फरमाया हर चीज फना होने वाली है आला भी खत्म होने वाले ने अदना भी खत्म होने वाले ने हर चीज मिली अमीर होने वाली है और एक अल्लाह दे साथे बारी ताला नू हमेशा बकाए अल्लाह पाक नू मौत नहीं जे आनी अल्लाह पाक दे सुसियां तारी नहीं जे होनी है अल्लाह पाक नू जनाबे आली और ओदियां ताकतां ते कुदरतां दे अंदर कमियां नहीं जे आनी है और हमेशा बाकी रहने वाली सादे बारी ताले और आइए जरा गौर कर दे जाना दुनिया की हकीकत की है और एक खेल दे तमाशा में छोटे छोटे बच्चे और गलियां बदारां चुराया दे अंदर खेल दे ने और कोई बच्चा जनाबे आली रेत दे अंदर अपना पैर रख के घर बनांदा वे और दूजा आके शरारत दे नाल पैर मार के टा देंदा वे दुनिया की हकीकत सिर्फ इनी जी है हां जी कोई बना रहा है कोई गिरा रहा है कोई आ रही है कोई जा रही है पहले बिस्तर समेट रहे ने बाद वाले बिछा रहे ने और कहन वाले ने आखिया तख्त जमीन मुसाफिर खाना मुसाफिरों मुसाफिरों जरा गौर करना मैं भी मुसाफिर हाँ तुसी भी मुसाफिर हो और तख्त जमीन मुसाफिर खाना और कैयावन गई जावन आफिज मोहम्मद लखवी अली रहमा दे अशार ने नबी दी हदीस दा तर्जमा जरा गौर कर दे जाना किधर कहे वो लोग और तजदा पढ़ के अल्लाह नू याद करने वाले और जनाबे अली नवाफल पढ़ के अल्लाह दी याद दे अंदर अल्फाज लिखने वाले आखरत दी याद दे अंदर अल्फाज लिखने वाले अपने आप नू पकीदा रखने वाले बावसू रहने वाले आइए जरा गौर कर दे जाना कैसिया प्यारियां बातां दिलां नू मोहन वालिया ने हदीस तर्जमा में फरमांदे की ने तख्त जमीन मुसाफिर खाना और कैया वन कई जावन पहले बिस्तर चाड़ उठावन पिछले आन बचावन और नाल मुसाफिर ना लाइए मुसाफिर नाल का दी यारी और परदेशियां नाल बेवतना नाल का दी यारी मुसाफिर नाल कोई बंदा कारोबार नहीं करदा और जनाबे आली परदेशी बंदे नाल कोई बंदा शेयर नहीं जे करदा रल के नहीं जे चलदा उदी वजह की है समझदा एदी जिंदगी आरदी है और शैबे दिल ने किवें खलाया है और वेख ना गफलत दे परदे किवें जांग कीते ने और कहिंदे ने नाल मुसाफिर न लाइए ते और की उस डर जाना तू नाल जुदाई दर्द फिराक तू नाल जुदाई दर्द फिराक ओए होश बहुत नुमाना इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही अल बुखारी दी हदीस पाक है आपने फरमाया
कुन फिर दुनिया गा नग गरीब आदि रोश भी नफ्स गफी आहल गुर। इमाम कायनात ने फरमाया बंदिया दुनिया दे रहना ही ते इंजरिया गर, और जिमें तो राह चलता मुसाफिर है और दुनिया दे रहना ही ते अजनबी बन के रहा गर, और दुनिया दे रहना ही ते इंज रह जिमें मकान किराए ते लिया हुंदा में, और दुनिया दे रहना ही ते इंज रहा गर। अपने आप नू मरन तो पहले ही मुर्दा शुमार कर छड़ की मतलब है, अपनिया ताकतां ते नाद न करी, अपनिया कुवतां ते मान न करी, अपनिया रुपइयां ते मान न करी, ओए अपनिया हिम्मतां ते जवानियां ते नाद करके, ओए माड़िया लोगां ते कदी भी जुल्म न करी, और किसे नू हकीर मत जानी। कोई बंदा जाने वाला जा रहा सी कब्रस्तान दे करीब तो गुजर हुंदा है, और जिस वक्त कब्रस्तान दे करीब तो गुजर होया ना ते एक बशीदा ते गली सड़ी हड्डी रास्ते दे अंदर मिल गई ते ठोकर लगी पैर दे नाल, ते हड्डी जनाबे आली सुबाने हाल दे अंदर बोल के की कहंदी है, और कमलिया मैनू ठोकरा ना मार, कदी भी मैं भी तेरे वर्गी इंसान सां, और कदी मेरा वजूद सी मेरे उपर मास चढ़िया होया सी, और मैं एक गुब्बारे दे अंदर जिदे अंदर रूह सी, उस गुब्बारे दे अंदर मैं भी एक हिस्सा सां, मैं भी दुनिया ते दिन गुजारे ने, इस वास्ते मान नगर ते नाद नगर हकीकत की है। और वेखो बादशाह दियां गबरां, कुछ जिन्ना भी उच्चा होए, कुछ जिन्ना भी आला होए, और जितना भी रुपये दौलत माल वाला होए, हकीकत ते हसीयत की औकात की है। और वेखो बादशाह दियां गबरां, और जिथे पैरा देन पखरू जो रंग महली उच्ची सौंद गिरद हदारा बहू। कदी गौर करिया गर ना सोचिया गर ना, और जा वेख ना तेरे ते मेरे वतने अजीज दे अंदर बादशाहियां गिरने वाले, और जा सर जमीन सिंध दे पुट्टो खानदान दियां गबरां दा विघड़ करके वेख ना, जिथे काम बोलने दियां आवाजा आ रही ने, और जा कदी सियावल हक दी कबर ते जाके वेखिया गर ना एवी हड्डियां दा, और जनाबे आली थोड़ा जिहा हिस्सा उथे मौजूद है, और जा दीगर बादशाहियां करने वाले परवेज मुशर्रफ दियां हालतां वेखियां ने तू, अखबारात दे अंदर सराए अबलाग दे विचों ए सारियां बातां तेरे तक पहुंचियां ने, और हसीयत क्या है वारे आफिद लखवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए, अल्लाह तेरी ते मेरी आखरत बेहतर करे। दिल लगा के सुनी, ताखीर ते हो गई है, लेट दे इत्तेफाकन हो गया मैं, लेकिन गोडे छड़ दे उधरा चुकन्ने होके होशियार होके चबंद होके चौक कस हो गए, रब दा कुरान दिल लगा के सुनना, हदीसे मुस्तफा नु सुनना, और कुरान और हदीस दा तर्जमा सादा पंजाबी जुबान दे अंदर सवाद कराना। ओदी वजह क्या है, अखां चो दो चार अंथरू सुट दई, अखां चो दो चार अथरू सुट दई, मैं चाहना तेरी भी आखरत बेहतर हो जावे, मेरी भी आखरत बेहतर हो जावे। जदों इस मस्जिद दे मेन गेट चो बाहर निकलीए ते जहन्नम तो आजादी दा परवाना मिल जावे। आइए जरा बातां तवज्जो नाल दिल लगा के समाध करदे जाना, साबे दिल की कह रहे हमें, और कहंदे ने वेखो बादशाहां दियां घबरां जिथे पैरां दे न पखेरू जो रंग महली उच्ची सौंदे ते गिरद हजारां बहरू जो शौकत शान जलालो चढ़ दे। आ रहे ने रूट लगे ने अगे पिछे जनाबे आली हिफाजती दसे मौजूद ने, अज की कैफियत है, और जो शौकत शान जलालो चढ़ दे ते कंब दे दर्द पुछालो उन खाग नुमानी एडने सुते कोई खबर ना पूछे हाल।
ते देखो फिर वजीरा घबरा ए वजीरे खजाना जी ए वजीरे दाखला सबका ए वजीरे जनाबे अली खारजा ए फलाना वजीर आ देखो फिर वजीरा घबरा आ जिन्ना हाथ खजाने उन हड्डिया दी मुठ बाज कबर विच ओए होर कुछ ना रियान ते आपो आप सुते विच कबरां आपो आप सुते विच कबरां ओ तंदे छोड़ उछाले कोई आखे ना नमाज पढ़ ले कहंदा मौलवी जी मेरे कोल ते सिर खुरकन दा टाइम नहीं मेरे कोल मरन वेल नहीं आ दोस आ जिस वक्त मौत दा पैगाम आ गया आ शाइयां ने वेल आप ही बना लेना वे ए नहीं वेखना ए बंदा बड़ा मशरूफ है आ उन्होंने ए नहीं वेखना एदियां फैक्ट्रियां किधर जान गईयां आ एदे कारखाने बंद हो जान गए आ कहन वाला कहंदा आपो आप सुते विच घबरा ते तंदे छोड़ बचा ले और निमन छोने चुप छुपा दे ते शहर खमोशाई वाले आइए जरा गौर कर दे जाना कुरान दा पैगाम मैं तेरे यहां गन्ना दी नजर करदा जावा अल्लाह पाक ने किया किया गुल मता दुनिया गली अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया दी जिंदगी बिल्कुल थोड़ी जी है बड़ी जल्द खत्म होने वाली है और दुनिया दी मिसाल अल्लाह पाक ने कुरान हकीम दे अंदर इस अंदाज नाल पेश फरमाई है जरा गौर कर दे जाना अल्लाह पाक ने फरमाया सूरा यूनस अल्लाह दा कुरान है ते 11वां पारा जरा दिल लगा के सुनना और कुरान की कह रहा है इन्नमा मसलुल हयात दुनिया कमा इन अनजलनाहु मिनस्समाई फख्तलतबी नबातुल अर्ज मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذا لنفصل الآيات لقوم يتفكرون अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया दी मिसाल रब ने खेती नाल पेश की थी है और छोटा जिया मासूम जिया पौधा और जमीन दे पेट विचों जन्म लेने वाला अल्लाह पाक ने आखिया जिवें उन्ने और जमीन दे पेट विचों शंगूरी ने जन्म लिया में और एवें बंदिया तुम्हें अपनी मां दे पेट विचों जन्म लिया में और ओदे ते बचपना आया तेरे ते बचपना आया ओदे ते जवानी आई तेरे ते जवानी आई और एक लम्हा ऐसा आ गया तू भी वडेरा हो गया ते ओ भी खुशक हो गया और तू भी बुढ़ा हो गया उसकी कटाई दा मौसम भी बिल्कुल करीब आ गया और कभी कभार ऐसा भी होया गर्दा अल्लाह महफूज रखे अल्लाह सख्तियां तो बचाए आमीन कह दियो अल्लाह अजमायशां तो बचाए अल्लाह दुखां तकलीफां तो बचाए मेरा सोना अल्लाह परेशानियां तो बचाए अल्लाह पाक ने फरमाया कदी ऐसा भी हुंदा है और फसलां जड़ियां पक जांदियां ने ते फसलां बीजन वालियां नू कटनियां नसीब नहीं हुंदियां कटनियां नसीब जरा गौर ते कर ओ केड़ी भुल दे अंदर है ਕਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਿਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਮਸ਼ਗੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਫਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ
उस मालिक दी याद वास्ते वेल कोई नहीं, टाइम कोई नहीं। ते जिस शैतान ने अव्वल रोज तो दुश्मनियां कीतियां ने उदे वास्ते मारा मारा फिरना, कदी सोचते सी? अपनी लैन नू सिधियां कर, हकीकत तो आगाही हासिल कर। अल्लाह पाक ने फरमाया हत्ता इदा अखदत अर्ज़ुहा वज़य्यनत वज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा। फसल पक गई, बाबा वडेरा बैठा है, चौधरी बैठा है, डेरा सजा के बैठा है, पुत्रां पोतरियां दियां लाइना कतारां लगियां ने, इर्द गिर्द मुलाजमीन दी बहुता दे, चौबी साहब दा हुक्का किसे ने फड़िया है, किसे ने जनाबे आली चौधरी साहब वास्ते खाने पीने दियां शिया पकड़ियां गोईयां ने, ते बैठा है ते लाफा पिया मारदा है। पुत्रो परेशान ना होना, फसल पक गई है। किले बागे चिड़िया दी फसल है, गंदम है, कपास है, गन्ना है, तैयारी हो गई है, इसकी कटाई करांगे। मिसाल कुरान ने दी, इनू मंडी के अंदर सुटांगे, रुपये वल आउणगे, रेट चंगा लवांगे। अच्छा दादा फिर उहदा की करना है? कहिंदा नाल लगदा विगा खरीद लवांगे। फैक्ट्रियां मिलां वाले इंतजार करते ने, नाल लगदी मिल जिहड़ी है इहनू रहन नहीं देना, यह मेरी मलकीशत दे अंदर होवे। इहो ही दौड़ है ना दुनिया ते, 99-100 दा चक्कर लग्या है। इहनां चक्करां दे अंदर बंदा गफलत दा शिकार हो के अपने मालिक पैदा करने वाले तो बेगाना बन चुके आए। लाफा भी मारता है। और जनाबे आली बड़िया बड़िया पशीन गोईया कर रहा है। मैं कुरान पढ़िया ते गल समझ आ गई कि जिस वक्त जनाबे आली बड़िया बड़िया गल्लां करदा सी, वड्डे बोल पिया बोलदा सी, एदियां गल्लां सुन के तकदीर हस रही सी। बेवकूफा ओ अहमका, ओ केड़े पासे लगा है? कुरान कहंदा है अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, दिन दे किसे लम्हे दे अंदर, रात दे पिछले पैर, किसे वक्त दे अंदर साडी तरफों ऐसी सख्ती आउंदी है, ऐसा अजाब आउंदा है। अल्लम तगना बिल अमसी, जिस फसल वे के लहलहांदी फसल वे के गुरूर घुमंड कर रहे हो, ऐसा अजाब का लुकमा बनता है, इंज महसूस होंगे का अल्लम तगना बिल अमसी, जिमें कल इत कोई उगी नहीं सी। सफाइया हो जाती है, ये सारे इख्तियार किदे कोल ने, ये हर शहर के कादर कौन है? फिर मानना पड़ेगा कुरान दा दावा बिल्कुल सज्जा है। और कुरान की कह रही है खुल मता दुनिया गली, अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया की जिंदगी बिल्कुल थोड़ी जी है, मुख्तसर जी है, जल्दी खत्म होने वाली है। और किन्नी मुख्तसर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बंदे आ तेरा माल ते तीन किस्म दिए, वो तेरा है, वो तेरा है, बाकी तेरा, बोलो बोलो। हजरत अब्दुल्ला बिन शखीर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने मैं गया रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाने, तो आप सूरह अलहाकुम तकासुर पढ़ रहे ने, ते नाल नबी पाक कह रहे ने हाय इंसान तेनू की हो गया,
तू इको गल करना है, माली माली माली, आए मेरा माल, आए मेरा माल, आए मेरा माल, अकोठी मेरी होए, बिल्डिंग मेरी होए, फैसलाबादी हो, अलूमा दा कारखाना मेरा होए, ए फैक्ट्री मेरी होए, कपड़े दी दुकान मेरी होए, ए जुतियां दी दुकान मेरी होए, फुला मंडी दे अंदर आड़ता मेरिया होन, ए गड्डियां मेरिया होन, कोठियां मेरिया होन, माली 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 दी रट लगाई है तस्वीर कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेवकूफ है, भूल गया है, इदा माल ते सिर्फ तीन किस्म दा है, सुनिया केड़ा? आपने फरमाया जिहड़ा खा लिया ते खत्म कर लिया, जिहड़ा खा लिया ते खत्म कर लिया, फारग हो गया, ते दूसरे नंबर ते जिहड़ा पहन लिया ते बशीदा कर लिया, वो कपड़ा लीर टाकिया पहन लिया ते बोशीदा हो गई, फट गई, खत्म हो गया। ते रसूलुल्लाह ने फरमाया तीसरे नंबर ते जड़ा माल सदका कर लिया ते जखीरा कर लिया, खा लिया ते खत्म कर लिया, पहन लिया ते बोशीदा कर लिया, ते तीसरे नंबर ते जड़ा सदका कर लिया ते जखीरा कर लिया। की मतलब? जिहड़ा रब दे रस्ते दे अंदर कोई मस्जिद बनांदा है, कोई मदरसा बनांदा है, कोई किसे वास्ते कुआं खोददा है, कोई नलका लगवा देंदा है, किसे गरीब दा घर बना देंदा है, किसे बेवा औरत दी इमदाद कर देंदा है, हैं जी, कोई इस तरह दा सदका जारी है, कोई हॉस्पिटल बना देंदा है, कोई मुसावर खाना तमीर कर देंदा है, कोई नहर खुदवा देंदा है, कोई इस तरह दा सदका जारी है कर लेंदा है, नबी पाक ने फरमाया ओ इहदा है। सोहणियां जिहड़ियां तीन तीन मिलां ते जेड़े कारखाने ते जेड़ियां गड़ियां मोटर दियां लाइना कतारा, आ बच्चियां नूं स्कूल छड़न वास्ते, आ शहर दे अंदर चलन फिरन वास्ते, ए गाड़ी जेड़ी है ए आओ वाप सिटी बाहर जान वास्ते, ए फुलां मकसद वास्ते, आ फुलाने काम वास्ते, ये किधर गईयां? ये पता किधर गईयां? ये उधर गईयां जिस वक्त रूह कब्ज़ हुंदी है ना, क्योंकि असि तो जनाजे पढ़ाने, अजे मैयत दा कफन मैला नहीं हुंदा, अजे अफसोस करने वाले दियां कतारां लगियां हुंदियां ने, वो फार्म चुक के आ जांदे ने, हजरत जी सैन कर दियो, अपने आईडी कार्ड दा नंबर दर्ज कर दियो, वजह क्या है? बाबा जी टुर गए ने, जायदाद बड़ी है, ते मैं पहलो डेथ सर्टिफिकेट बना के ते कुछ ना कुछ कर लवां, नहीं तो मेरे भरावां ने मैनूं कुछ नहीं देना। इंज हुंदा है कि नहीं? ते केड़ी भुल दे अंदर है, एवी जोड़े जोड़े ते लगे हैं, एवी 99 100 दे चक्करां दे अंदर है, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल निछावर करन लगे हैं, दिल थोड़ा ना करिया करो, एहो ही काम आना जे, जेड़ा पिछे रह जाना औलादा ने लड़ना है, झगड़ना है। और एक होर गल सुनी जरा पते दी, बाजुकात इंज हुंदा है हलाल ओ हराम दी तमीज तो बगैर बाबे ने जायदाद बनाई। फैसलाबाद दे मेन चौकां ते दुकानां 10-10 लख रुपया किराया आ रहा है, वेले बह के औलाद खा रही है, बाबे ने इकट्ठा किया सब कुछ, दुकानां रह गई, जायदादां रह गई, और जिथे सूदी कारोबार हो गए सारे रह गए, कबर दे अंदर ये टुर गया, उस माल तो मौज औलादा ले रही है, साब ए दे रहा है, मौज मेला औलाद कर रही है, पुत्र पोतरे दोतरे कर रहे ने, ते हिसाब किताब पसलियां ए दिया भज रही ने। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो तो कबर मरोड़ दी है ना, सही हदीस है, सजियां पसलियां खब्बे पासे ते खबियां सज्जे पासे, ते 99 सांप जो कबर दे अंदर मुसल्लत कर दिते जांदे ने। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर एक सांप ओदे विचों जमीन ते ढसले, इतने जहरीले ने कि एक सप एक डंग मार ले ते कदी रब दी जमीन ते सब्जा ना उगे। सही मुस्लिम पढ़ के देखी, रसूलुल्लाह ये अहवाले आखरत बयान कर रहे ने, सज्जल मुस्लिमून सज्जतन शाबादियां चीखा निकल जांदियां ने। तेनू ते मैनू परवाह कोई,
लंबी तान के सोनी है। समझ नहीं है कि सर्दिया दंबिया रात अवाशी वास्ते अवारगी वास्ते या सामने बड़ी स्क्रीन अवेजा कर ली जनाबे आली खुशक मेवा जात रख ले गप सप की मजलस गर्म होगी। किसी ने पीपल्स पार्टी नू चंगा कह लिया, किसी ने तहरीके इंसाफ नू चंगा कह लिया, किसी ने नू लीग दा झंडा बुलंद कर लिया और किसी ने जनाब नवाज शरीफ नू जिता दिता, किसी ने इमरान खान नू जिता दिता। ये समझ लिया भी शायद मैं दुनिया के अंदर इस वास्ते ही हाँ, ये लंबिया रात मैं इस वास्ते मिलिया ने, एवं मुगालते दे अंदर है, धोखे दे अंदर है, एवं दुनिया के बहकावे दे अंदर है, शैतान ने तेनू गलत रस्ते दे लगाया है। ये लंबिया रात रब ने इस वास्ते अता कीतियां ने कि सौ भी लवे ते पिछले पैर रब दे सामने खड़िया हो के गुनाहों तो माफी भी तलब कर लवे। मुसलमानों मोहमिनों अहले हदीस सदाने वालो अहले सुन्ना सदाने वालो ये लम्हा फिक्रिया है, ये तेरी ते मेरी कमी है। असी लोग हर खूबसूरत चीज नू हकीकत समझने हैं। नौजवानों गलियां बाजारां चौकां चौराहां दे अंदर खड़ियां होके हुसन दा मुतलाशी रहना, काश कदी ए वेखिया कर इस हुसन नू वेखने दी बजाय उधर तकिया करके इस हुसन नू पैदा करने वाला केड़ा हुसैन है। जो गल इत पहुंच जाएगी ना इंशाला फिर तेरी लैन सीधी हो जाएगी, फिर लैन सीधी हो जाएगी। जरा गौर कीजिए, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माली अक ते नहीं गए, बोलो बस करा वाह। समझ आ रही है ना माशाल्लाह, गल समझ आ रही है ना। एनी तवज्जो नाल इन हिमाक नाल मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगा कोई फजूल कोई इधर उधर दी गल करके तुहाडा कीमती वक्त बर्बाद ना करां। तुसी समय मैं समझना कि सरमाया आयात ये जिंदगी दा सब तो अगर कीमती कोई असासा है तो वह वकत है। वो किवें मैं हुण लेट होया, वो जिहड़ा मेरा टाइम सी 6 बजे का करोड़ अरबां खरबां रुपए भी खर्च कर लवां वह 6 दोबारा नहीं बज सकते। इंजी है ना, इंसान गड्डियां कारां रुपये जमीन मुरब्बे जायदादा बना सकता है, इस घड़ी नूं उंज हथ ना फड़ के पिछे कर लवे सारे कहणगे गलत हो गई है, इहदा सैलर हो गया है, करंट घट गया है। कोई यही नहीं कहेगा कि टाइम हकीकत दे अंदर पिछे हो गया, उहदी वजह क्या है? कोई माई दा लाल एक मिनट भी पिछे कर सकता, जेड़ा वक्त गुजर गया सो लई ता शबाब याउ। जवान कहंदे ने ना काश जवानी लौट आए, काश ओ लमे आ जान जदों बेफिक्र हो के बस्ता पा के ते वालद दी कमाई ते सारियां ऐशो इशरत हुंदी जाए। काश ओ लमे आ जान, काश ओ वक्त आ जान जदों फिक्र ना फाका कुछ भी नहीं, हुण दर्दां ही दर्दां पीड़ां ही पीड़ां मुश्किलां ही मुश्किलां औखे पैंडे। मैं नबी दी हदीस सुना रही हां, जरा तवज्जो कीजिए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह रहे ने, और इंसान कितना गाफिल है कितना बेबस है, और इंसान जनाबे आली कितना बेकार है, हर वेले ऐसे बात दी तस्बीह करदा पढ़ना ते चाहिदा है, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह दियां बड़ाइयां ओदियां हमदां ते सनावां बयान
करने की बजाय ओदी पाकीज़गी बयान करने की बजाय अपनिया तारीफा पिया कर दें और लाफा पिया मार देखो मैं किन्ना सियाना वै मैं जनाबे आली कारोबार नू किन्ना बदा लिया वे और मैं गल कित्थे दी कित्थे लै गया वै और कहन वाले ने आखिया ए नबी दी हदीश है ना माली माली के मेरा माल और तर्जमा करने वाले साहबे दिल ने तर्जमा किवें कीता और कहंदा इत्थे मेरी मेरी और करना वे क्यों झूठ दी सीढ़ी चढ़ना वे और इत्थे मेरी मेरी और करना वे मेरी किवें हो गई और मेरी ते मैं दद मन्ना के जे लैंड क्रूजर तेरे नाल कबर दे अंदर जावे और मेरी दे तद मन्ना जनाबे आलिए हकूमती जड़ी कुर्सी है जड़ा मनसबे तेन कबर तक नाल लैके जावे कबर दे अंदर जावे और कबर दे अंदर जाना है ते कुरान दी पढ़ी हुई सूरह मुल्क नहीं नाल जाना वे और कबर दे अंदर जाना है ते सदका खैरात ने नाल जाना वे और इत्थे मेरी मेरी और करना वे क्यों झूठ दी सीढ़ी चढ़ना वे और झूठ झूठे हुंदाई और रा बंदे जदों जिंदगी दे मुक जाने सा बंदे और तेनू तेरे अपने आप नवाउना वे तेनू तख्ते उदे लटाउना वे तेनू तेरे अपने आप नवाउना वे तेनू तख्ते उते लटाउना वे तेनू मंजी उते देनगे पाबंदिया जदों जिंदगी दे मुग जाने सा बंदिया तेनू दो चादर विच आई औकात वह भी पता नहीं नसीब है कि नहीं बड़े बड़े टुर जाते ने जिन्हां दियां लाशां भी नहीं लभदियां अल्लाह चंगी मौत नसीब करे अल्लाह साफ सुथरी मौत नसीब फरमाए अल्लाह खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए अल्लाह अकीदा तौहीद ते खात्मा नसीब फरमाए वरना हकीकत क्या है और तेनू दो चादर विच आई कमाई और तेनू दो चादर विच लपेटन गे लोकी मुंह तेरा आके वेखन गे और तेनू दो चादर विच लपेटन गे लोकी मुंह तेरा आके वेखन गे और तेनू तीन चंद्रे देन गे और तीन पलियां बंदे ने ना और तेनू तीन चंद्रे देन गे ला बंदे जदों जिंदगी दे मुग जाने सा बंदे और तेनू अलफी एक पहनावन गे अनुजेब भी कोई ना लावन गे ते जेब अमला दी भर गे आए हाय अजेब अमला दी भर गे तेरे एटीएम जेडे कार्ड ने वो इत्थे रह जाने तेरे जनाबी आली रुपया पैसिया वाले जितने कागजात ने वो इत्थे रह जाने ने ना कोई सवारी जा रही है ना कोई और चीज घर वाली जा रही है कब्रस्तान तक भी जाना जे नसीब हो रहा है ते वो भी चार पाई मस्जिद दी है इंज है कि नहीं तेनू अलफी एक पहनावन गे अनु जेब भी कोई ना लावन गे और जेब अमलां दी भर गे ले जा बंदिया जदों जिंदगी दे मुग जाने सा बंदिया इस वास्ते कदी गौर करिया करना सोचिया करना कुरान दा दावा की है कुल मता दुनिया कलील अल्लाह पाक ने फरमाया दुनिया दी जिंदगी बिल्कुल थोड़ी जी है मुख्तसर जी है और जल्दी खत्म होने वाली है इनू करार कोई नहीं इनू बका कोई नहीं इनू हमेशगी कोई नहीं ते या अल्लाह बेहतर शह केड़ी है आसमान तो पैगाम की आ रही है वल आखिरतु खैरुल लिमन तगा बेहतर जे
पर उदे वास्ते जेड़ा मुत्तकी बन गया परहेजगार बन गया, वगरना जेड़ा मुजरम है इठे कोठियां कारां दे मजे लूटने वाला हर दौर दे अंदर इकतदार दे मजे बोलो तेरे मेरे वतने अजीज दे अंदर को 12-14 लोगों का टोला होना है, वह हर इकतदार का हिस्सा होंगे है कि नहीं, इंजी है ना, समझ गए होना तुम मेरे तो बहुत सियाने, हर इकतदार का हिस्सा होंगे ने, मालूम होंगे नजरिया, नजरिया कोई नहीं, सोच मुलक दी बका वास्ते कुछ भी नहीं, सिर्फ कुर्सी दी फिकर, इकतदार मिलना चाहिए, वो भावें मिले किसी इंसाफ तरीके इंसाफ तो भावें मिले किसी नून लीग तो किसी काफ लीग तो किसी जनाबे आली होर पार्टी तो किसी मौलवी साहब को किसी सैकूलर को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए इंजी है, इसे इसे खेड़ दे अंदर ये कौम लगी है। अल्लाह बाग ने फरमाया एक दे होवे जड़ा इंज खेड़ दिया तुर गया उदे वास्ते ते फिर आखरत बड़ी औखी, उन्हें अखां मिटियां उधरों अलायास बिल्ला अल्लाह दी पनाह अल्लाह महफूज रखे उधरों जहन्नम दे गेट खुल गए। ते एक होवे जेड़ा बेचारा किराए दिया मकाना दे अंदर रहन वाला कोठी कोई नहीं पलाट कोई नहीं कई प्रॉपर्टी नहीं बैंक बैलेंस नहीं कुछ भी नहीं मामूली जी तनखावां मजदूरी लैके गुजारे करने वाला पर है इंजदा है कि तो रात अद्धियों ढल दीए अपने रब दे सामने खलो जांदा है ते कहंदा या अल्लाह अरशे मुअल्ला ते तू ही कल्ला है ते इस घर दे विचों मैं भी कल्ला तेनू पुकारदा पियाई ते सोनिया वाकई तू मेरा महबूब है मेरा प्यारा है मेरा महबूब है अल्लाह मेरिया यारियां तेरे नाल ने सोनिया मालका मेरे वास्ते आसानियां फरमा दे और दुनिया के जे रब दौलत तो दुनिया के जे मालिक बहुत सारिया वसी जड़िया आसाशा ने जे उन्हां तो दूर रख दे ते रब दी जात किसे दा हक नहीं रख दी अल्लाह कहंदे ने फिर आ गया मेरे कोल या अय्या तू हन नफ्सुल मुतमइन्ना हुन इत्मीनान बख्श तेरी जिंदगी शुरू हो गई है हुन इंजी होएगा तू मेरा मेहमान होएगा मैं रब तेरा मेजबान होवांगा अल्लाह तेरा मेरा हशर इसरां दा कर अल्लाह तेरी मेरी आखिरत इस तरह की कर दे। कुरान की कह रही है वल आखिरतु खैरुल लिमन तक्वा आखिरत बेहतर पर मुत्तकी बंदियां वास्ते परहेजगार बंदियां वास्ते और परहेजगार केड़ा वे तकवे वाला केड़ा वे अकीदा तौहीद तो बाद ईमान याद तो बाद तकवे दी पहली सीढ़ी नमाज जेड़ा बंदा बेनमाज है वो कभी मुत्तकी नहीं हो सकता कभी मोमिन इस गल नू याद रखिया जी जलसे सुनो वास सुनो कॉन्फ्रेंसां करवाओ दीन दे कम्मां दे अंदर पेश पेश रवो अगर नमाज फर्जी उहदे अंदर कुताइयां हो गईयां ते मामला फिर खराब हो जाएगा फर्जी नमाज तो बगैर कुछ भी नहीं कोई दीन नहीं कोई मुसलमानी नहीं कोई ईमान नहीं क्या फिर मामला है कि जिन्हों पांच वेले ये भी फुर्सत ना मिली कि जिस रब ने मैनू 80-90 साल जिंदगी दिती है मैं दिन दे अंदर कोई एक घंटा ही उस रब दे नामे कर देवा की फायदा फिर उदी जिंदगी का मकसद क्या है कुछ भी नहीं वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका और तकवा कहते ने गुनाहों तो बचना गुनाहों तो छोटा गुनाह होए बड़ा गुनाह होए चुगली गीबत बोहतान जुबान नू बचाना अखां नू बचाना कन्ना नू बचाना ए जनाब इंज समझो जिवें एक सहाबी ने मिसाल दित्ती सी कि दोनों तरफ कांटियां दी बाड़ होए जिहड़ा बंदा विचों गुजरदा है ते किवें गुजरदा है
अपने आप नू बचा के क्लोज करके सिमट के कि किते मेरे कपड़े ते कोई कंडा ना चुभ जाए, मेरा कपड़ा ना फाड़ जाए, मेरे जिस्म नू नुकसान ना हो जाए। ये दुनिया ते कांटे खिल रहे ने, किते सूदी कारोबार दे कांटे, किते बेहयाइया दे कांटे, किते बदकारियां दे कांटे, किते फाशा औरतां दे कांटे, किते गंदियां शैतान दियां चेलियां दे कांटे, किते शैतान दियां चेलियां दे कांटे, और किधरे जनाबे आली शिरको बिदत दे खलीद गंदे कांटे, ये सारे बिखरे हुए ने। जिहड़ा बंदा अपने आप नूं इन्हां तों बचा के वक्त गुजारने दे अंदर कामयाब हो गया, वो मुत्तकी बन गया, परहेजगार बन गया। और जिहड़ा परहेजगार बन गया, रब ने आखिया उही मेरा मेहमान होएगा। कुरान पढ़ के वेखो बार बार, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, इन्ना लिल मुत्तकीना फी जन्नातिम व नहर, मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, सारा कुरान पढ़िया है। अल्लाह ने आखिया तकवे वालियां वास्ते जन्नत दियां नेमतां, तकवे वालियां वास्ते जन्नत दे मालात, तकवे वालियां वास्ते जन्नत दे दराजात। तो मेरे अजीज़ो बुजुर्गो, छोटे बच्चो, मेरी माओ बहनों, अजीज बेटियों, जिथे जिथे आवाज पहुंच रही है, ये मेरा अज का पैगाम सी कि दुनिया ये आरदी है, फना दा घर है, जल्दी खत्म होने वाली है। असी लोग किते मुगालते दा शिकार होके अपने हकीकी मालिको खालिक नू ना भूल जाइए। मुत्तकी परहेदगार बन के, गुनामा तो बच के, अपनी जिंदगी नू साफ सुथरा करके गुजारने दी कोशिश करिए। अल्लाह मेरा और थोड़ा भला फरमाए, आसानियां फरमाए, अपनी रहमत फरमाए। अहले हदीस यूथ फोर्स फैसलाबाद और मरकजी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद, माशाल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम जेडे मुनक्कद कर रहे ने तरतीब दे नाल, अल्लाह पाक इन्हां दीयां कोशिशां काफशां दे अंदर मजीद इजाफा फरमाए। अल्लाह पाक इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद रखे, सही मानिया दे अंदर रुश्तो हिदायत दा मरकज ते गहवारा बनाए। मेरे मोहतरम बड़े प्यारे मुहब्बत करन वाले तशरीफ फरमा ने, इन्हां दी अहलिया फौत हो गई, इंतकाल कर गई, दर्द दिल नाल दुआ करो अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस उन्हां दा ठिकाना बनाए। आमीन ते कह दियो ना। जो बशरी कुताइयां सन अल्लाह पाक उहदे तों दरगुदर फरमाए, और जन्नत दे बेहतरीन दर्जात दा अल्लाह उस मोहतरमा नू हामिल बनाए, और जो कुछ भी उखरवी मरहले ने अल्लाह सब दे अंदर कामयाबियां अता फरमा। यासर भट्ट साहब दी वालदा मोहतरम हजरत कारी साहब दी, इस तरह होर जेडे दोस्त ने जिन्हां दे वालदैन भी फौत हो चुके ने, यकीनन वालदैन एक बहुत बड़ा असासा, बहुत सारे मेरे मरकज के मुदर्रिस ने कारी मोहसिन साहब ये भी तशरीफ ले आए ने, इन्हां दी वालदा भी इंतकाल कर चुकी हैं। वालदैन एक बहुत बड़ा असासा ने, हैं जी, ऐसा रिश्ता है कि जिदा बदल कोई नहीं, जिदा बदल मां ते बाप, ऐसा अनमोल रिश्ता है कि जिदा बदल कोई नहीं। और जिदे वर्गा खलूस वाला खाना शायद ही है किसी होर दिल अंदर हो, जड़ा अल्लाह ने इन रिश्तियां दे अंदर रखे है। दुआ करो मेरे समेत, या अल्लाह जिन्हां दे मापे टुर गए ने उन्हां दीयां कबरां रोशन फरमा। मेरे हमसफर मोहतरमा जी फारूक साहब, इन्हां दे वालदैन भी फौत हो चुके, भाई अफसल चट्ठा साहब दे वालदे गिरामी इंतकाल कर चुके। अल्लाह दीगर इत्थे दोस्त इत्थों दे नमाजी बहुत सारे दस रहे ने, और वेखिए पिछे नजर मारीए ना तो बिल्कुल ही गल्लां तब्दील हो गई। मैं तो शेख उपरे ही अर्ज कर रहा सा दोस्तों नाल कि वालदे गिरामी रहिमहुल्लाह दे दौर दे अंदर जिन्हां लोगों नूं जिन्हां दोस्तों नूं असीं मिलने सा, जिहड़े मजमे वेहने सा, वह बंदे नज़र ही नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक साढ़े जिहड़े गुजरे हुए बुजुर्गान ने अल्लाह उन्हां दीयां कबरां रोशन फरमाए। बड़े बड़े जय्यद उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, सब दीयां मेहनतां काबिले तहसीन ने। कोई पढ़ाने वाला है, कोई लिखने वाला है, कोई तहरीर करने वाला है जी, कोई कुछ करने वाला है, कोई सबक पढ़ा रहा है, कोई वाज सुना रहा है, जिस तरह जिथे जिथे जेड़े जेड़े कम्मे मेरे सोने रब ने लाया, ड्यूटियां लाइया ने। या अल्लाह
इन्ह ड्यूटियां नूं निभाने दी तौफीक अता फरमा। और मेरा सुनिया मालिका ये जेडे मामलात ने सही माने दे अंदर असरअंदाज होन और साडे बाद साडा बयान करना साढ़े वास्ते भी फायदेमंद साबित हो जाए और तुहाडे वास्ते भी फायदेमंद साबित हो जाए। जेडे फौजशुदगान ने अल्लाह सब दियां कबरां रोशन फरमाए। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वज्हिक वअज़ीम सुल्तानिक। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना وقنا عذاب النار। अल्लाह साड़ी दुनिया भी बेहतर फरमा, अपनी रहमत दे नाल साड़ी आखरत भी बेहतर फरमा। अल्लाह जो बीमार ने शिफाए कुली अता फरमा। जिस तरह बट साहब बाज दोस्तों के नाम लैके कह रहे हैं, मुसद्दक साहब या दीगर जिन्हों के नाम मैनू नहीं भी याद, अल्लाह इस मजमे के अंदर या दीगर मुकाम आते हस्पताल भरे हुए ने, छोटे छोटे मासूम बच्चे सर्दी की शिद्दत नाल बड़े बीमार ने बूढ़े बीमार ने। साढ़े मरकज के एक मुदर्रिस कारी नज़ीर साहब, उन्होंने नमूनिया होया। इस तरह छोटे छोटे बच्चे जड़े वो बड़े बीमार ने, औरतां बीमार ने। अल्लाह कुल बीमारां नूं सेहत कामिला नाफिया अता फरमा। अल्लाह कुल बीमारों नु शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा शफी मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अज़हिब अल-बास रब्बन नास व शफी अंत शाफी। ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह साडी दुनिया भी बेहतर फरमा, अपनी रहमत दे नाल साडी आखरत भी बेहतर फरमा। अल्लाह इस वतन अजीज दियां हिफाजतां फरमा। अल्लाह कशीदगियां नू खत्म कर दे। अल्लाह सानू कोई सही मानियां दे अंदर दर्द दिल रखने वाला सईदना उमर फारूक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसिया, सलाहुद्दीन अयूबी जैसिया सिफात दा हामिल कोई हाकम वक्त अता फरमा। अल्लाह कोई नेक सुथरा इंसान अता फरमा। अल्लाह साडे वतन अजीज नू या अल्लाह हर तरह हर तरफों खुशहाल कर दे। अल्लाह परेशानियां तो निजात दे दे। अल्लाह परेशानियां तो निजात दे दे, कर्जियां तो निजात दे दे। अल्लाह फलस्तीन दे अंदर जो बच्चे बिलक रहे ने, मासूम जो परेशान ने और जुल्म कीता जा रहा है, अल्लाह पूरी दुनिया ते जिते जिते मुसलमान मजलूम ने, ऐ मेरे सोने मालिक उन्हां दी इमदाद फरमा। अल्लाहुम मंसुरिल मुस्लिमीन अल मुस्तज़ाफीन फी कुल्ली मकान। अज्जिल बिनसरहिम या कवी या अज़ीज। अल्लाहुम अइज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल अश्शर्क वल मुश्रिकीन व दम्मिर अअदा अद्दीन व अजअल हादल बलद आमिनन मुतमइनन व सायर बिलादिल मुस्लिमीन। ऐ मेरे सोनिया मालिका, बड़े इस दुनिया तो टुर गए बड़े बड़े हुसीन चेहरिया वाले, बड़े बड़े महबूब ते प्यारे, या अल्लाह सब दियां कबरां रोशन फरमा देना। अल्लाह जिहड़े साडे प्यारे टुर गए ने, वालिदैन टुर गए ने, अजीज़ अकरबा टुर गए ने, दो सज्जन बेली टुर गए ने, अल्लाह सब दियां कबरां रोशन फरमा देना। मेरे मोहतरम जो दुआ करवा रहे ने, उन्हां दी अहलिया फौत हो गई, अल्लाह उन्हां दी कबर नूं भी जन्नत दा बाग बना देना। अल्लाह सब दियां कबरां रोशन कर देना, उखरवी जिंदगी नूं बेहतर तो बेहतर फरमा देना। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन व जअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह बे औलादियां नूं नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह बे औलादियां नूं नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जड़े औलाद दी नेमत तो महरूम ने, उन्हां नूं नेक सवाले बेटे अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां ने ते सोहणिया मालिका मापियां दा हया नहीं करदे, अल्लाह उन्हां नूं मावां दा ताबेदार बना। अल्लाह वालदैन दा ताबेदार बना। अल्लाह वालद दे रुतबे नूं समझने दी तौफीक अता फरमा। मां बाप दियां खिदमतां करने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो वालदैन अपनियां बेटियां दे नामुनासिब रिश्ते मिलने की वजह नाल परेशान ने, अल्लाह ये परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह अच्छे असबाब पैदा फरमा। अल्लाह सब दियां मुश्किलात आसान कर दे। अल्लाह बेटियां दे दुख तो हर मापियां नूं महफूज रखना। अल्लाह धियां दे दुखां तो या अल्लाह मापियां नूं महफूज रखना। अल्लाह मापियां नूं महफूज रखना। बेटियां दे दुख वेख के चंगे भले जवाना दियां कमरां धूरियां हो जांदियां ने, अल्लाह इन्हां दुखां तो महफूज रखना।
इन्हें तकलीफा तो महफूज रखना। अल्लाह दुनिया ते आखरत दे अंदर राहत आशाइश और इत्मीनान नसीब फरमाना। अल्लाह कयामत दे दिन जहन्नम दी गर्म हवा तो भी बचा लेना। या अल्लाह सानू सबनू जन्नत दे दाखले नसीब फरमा देना। सालेहीन सिद्दीकीन शुहदा और अंबिया दियां रफाक दा नसीब फरमा देना। अपने महबूब पैगंबर दे हथों हौज़े कौसर दा जाम नसीब कर देना। अल्लाह शफाअत कुबरा दा हकदार बना देना। अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देना। सोनिया मालिका कयामत दे दिन अपना दीदार नसीब फरमा देना। जन्नत दे अंदर अपना दीदार नसीब फरमा देना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी व